हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी चली हुई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बुलाए जाने के पीछे पड़ा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार पर तलख टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के विधायकों में मदन बनाए जाने को लेकर तालमेल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयान देने से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपने विधायकों की राय जरूर जान लें। सीएम ने कहा कि विपक्ष के ज्यादातर विधायक को विधानसभा का शीतकालीन सत्र राय कोरोना को देखते हुए टाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए। सीएम ने दावा किया है कि सरकार पहले ही सत्र को लेकर धर्मशाला में करने का निर्णय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि सत्र होगा तो धर्मशाला में ही होगा, सेशन होगा तो धर्मशाला में ही होगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता की क्या कहना है कि सेशन होना चाहिए, हमने तो सेशन की पहले ही नोटिफिकेशन कर दी है, लेकिन उनके मेजोरिटी एमएलए ये कह रहे हैं कि सेशन स्थगित करना चाहिए, ये उनको जानकारी देना। हमने तो सेशन की नोटिफिकेशन पहले ही कर दी है, सेशन ना करने की मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे, ना विपक्ष रहे ना कोई और रहे, ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना के मामले बढ़े हैं इस पर एक विचार आया कि भी क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आग्रह ऐसा है, बहुत सारे विधायकों का, कांग्रेस के भी, कांग्रेस के मेजोरिटी एमएलए का, कि भी सेशन नहीं होना चाहिए, ये उनको जानकारी नहीं होनी चाहिए। विधायक वो विपक्ष के नेता जरूर है लेकिन उनको मालूम नहीं उनके विधायक क्या कह रहे हैं।